वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। साउथ इंडियन सिनेमा अनडाउटेडली कंटेंट के हिसाब से बॉलीवुड से भी आगे बढ़ चुका है, और यही कारण है कि अब सिर्फ साउथ इंडियन ऑडियंस ही नहीं बल्कि साउथ मूवीज़ को पैन इंडिया में काफ़ी पसंद किया जाता है। और जहां तमिल, मलयालम, तेलुगू और सैंडलवुड सिनेमा सिर्फ एक दो स्टेट्स से ही 150-200 करोड़ का बिजनेस कर लेते हैं, वहीं बॉलीवुड मूवीज़ पूरे इंडिया से भी 150-200 करोड़ का कलेक्शन काफ़ी मशक्क़त से कर पाते हैं। और अब बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज़ के रिमेक्स बनाकर करोड़ों की कमाई करता है, और फिलहाल ये ट्रेंड पर भी है। तो इस वीडियो में हम 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले साउथ मूवीज़ के रिमेक्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस लिस्ट में हमारे 10वें नंबर पर है फिल्म सन ऑफ सरदार। साल 2012 में रिलीज हुई अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की एक्शन कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार ने बॉक्स ऑफिस पर 88 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था, और ये एक हिट मूवी रही थी। मगर क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए थे। इसके अलावा ये फिल्म साल 2010 की तेलुगु मूवी मर्यादा रमन्ना की एक ऑफिशियल रीमेक थी। साथ ही इस फिल्म का रिलीज डेट शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान से क्लैश हुआ था, जिसके कारण इस फिल्म के कलेक्शन पे काफ़ी असर पड़ा था। मूवी नंबर 9, हॉलीडे। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी, जो कि साल 2012 की तमिल फिल्म थुपक्की की रीमेक थी, और इन दोनों ही फिल्मों को डायरेक्टर एआर मुरुगादोस ने डायरेक्ट किया था। हॉलीडे मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 112 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, और ये एक हिट साबित हुई थी। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है फिल्म गजनी। ये फिल्म साल 2005 की तमिल मूवी गजनी की रीमेक है। इस फिल्म में आमिर खान और आसिन लीड रोल्स में थे, जबकि तमिल वर्जन में सूर्या के साथ आसिन नज़र आई थी। इन दोनों ही फिल्मों को एआर मुरुगादोस ने डायरेक्ट किया था, और गजनी बॉलीवुड की पहली 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसे कि क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक ने काफ़ी पसंद किया था, और 114 करोड़ के कलेक्शन के साथ इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग दिया गया। हमारे इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है फिल्म रेडी। साल 2011 की ब्लॉकबस्टर मूवी रेडी, जिसमें सलमान खान और आसिन लीड रोल्स में नज़र आए थे, वो एक्चुअली साल 2008 की राम पोथिनेनी और जेनेलिया डिसूजा स्टारर मूवी रेडी की एक रीमेक थी। सलमान खान की फिल्म रेडी साल 2011 की हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड मूवीज़ में से एक थी, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था, और सलमान खान के डूबते हुए करियर को फिर से ट्रैक पर लाने का क्रेडिट इन साउथ रीमेक्स को ही जाता है, जिसमें वांटेड, बॉडीगार्ड और रेडी जैसी फिल्में शामिल हैं। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर है फिल्म राउडी राठौर। ये फिल्म साल 2012 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, जिसमें अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल्स में थे, और ये फिल्म भी साल 2006 की एक तेलुगु मूवी विक्रमारकुदु की ऑफिशियल रीमेक थी, जिसमें रवि तेजा और अनुष्का शेट्टी लीड रोल्स में नज़र आए थे। राउडी राठौर साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 131 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है फिल्म बॉडीगार्ड। सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म बॉडीगार्ड ने बॉक्स ऑफिस पर 144 करोड़ रुपए कमाए थे, और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। ये फिल्म साल 2010 की एक मलयालम फिल्म बॉडीगार्ड की ही रीमेक थी, जिसमें लीड रोल्स में दिलीप और नयनतारा नज़र आए थे। साथ ही इन दोनों फिल्मों को डायरेक्टर सिद्दीकी ने ही डायरेक्ट किया था। 4वें नंबर पर है फिल्म बागी 2। साल 2018 में रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की बागी फ्रेंचाइजी का सेकंड इंस्टॉलमेंट बागी 2 इस फ्रेंचाइजी का हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था, और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। साथ ही बागी फिल्म फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों की तरह बागी 2 भी साल 2016 की तेलुगु फिल्म सनम की एक रीमेक थी, जिसमें आदि विशेष और अदा सलमा लीड रोल्स में नज़र आए थे। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है फिल्म किक। सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म साल 2014 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 211 करोड़ रुपए कलेक्ट किए और एक ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन ये भी साल 2009 में रिलीज हुई रवि तेजा और इलियाना डिक्रूज की तेलुगु फिल्म किक की एक रीमेक थी, जिसे कि साउथ ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। हालांकि जहां पर ओरिजिनल फिल्म को आईएमडीबी पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, वहीं पर इसके रीमेक को आईएमडीबी की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है, जो कि इस फिल्म के कॉमर्शियल अप्रोच को इंडिकेट करता है। इस लिस्ट में 2रे नंबर पर है फिल्म सिम्बा। ये फिल्म साल 2018 की संजू और पद्मावत के बाद थर्ड हाइएस्ट ग्रोसिंग मूवी रही थी,
जिसमें रणवीर सिंह के साथ साथ सारा अली खान नजर आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ के अराउंड का कलेक्शन किया था। साथ ही ये साल 2015 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक थी, जिसमें जूनियर एनटीआर और काजल अग्रवाल लीड रोल्स में थे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है फिल्म कबीर सिंह। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर 2019 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह 2019 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अराउंड 276 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके साथ ये फिल्म आज तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग साउथ इंडियन रीमेक बन गई, जो कि साल 2017 की विजय देवराकोंडा और शालिनी पांडे स्टारर मूवी अर्जुन रेड्डी की एक ऑफिशियल रीमेक थी। और कबीर सिंह में बाकी रीमेक्स के कंपेरिजन में शाहिद कपूर ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। हालांकि इसके ओरिजिनल फिल्म अर्जुन रेड्डी में विजय देवराकोंडा का परफॉर्मेंस भी अनमैचेबल था। सो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो यही एंड होता है, और जाते जाते अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में इन साउथ रीमेक्स के बारे में अपने ओपिनियन को ज़रूर बताएं और अपनी फेवरेट साउथ रीमेक का नाम नीचे ज़रूर कमेंट करें।